हेलो दोस्तों, मैं अंकित। आज हम पढ़ेंगे काइनामेटिक्स के बारे में और देखेंगे कि काइनामेटिक्स में कौन कौन सी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पेपर में आती है और फॉर्मूलास क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, आज ये थ्योरी का पार्ट है और इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो कि आरआरबी और आरआरबी जेई एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक काइनामेटिक्स। तो देखो दोस्तों, जो काइनामेटिक्स है इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जो कि मोशन से डील करता है विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसमें फोर्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो काइनामेटिक्स क्या है? एक मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, मैकेनिक्स ब्रांच विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट दी रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये काइनामेटिक्स है। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन से हमें कुछ नहीं करना, हम थ्योरी पार्ट पे, उस थ्योरी पार्ट पे चलते हैं जो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं तो काइनेमेटिक्स में डिफरेंट क्वांटिटीज यूज होती हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट जब मैंने बताया था तो उसके अंदर आपको सारी क्वांटिटीज के बारे में डिटेल दी थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज कौन सी है। ठीक है, तो देखो ये काइनामेटिक्स के अंदर हमें क्या करना है कि अब दो पार्ट में हम क्वांटिटी को डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी चीज डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, नो डायरेक्शन। तो ये बेसिकली इन दो क्वांटिटीज में डिफरेंस है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस पूछेगा तो क्या बताओगे? दोनों में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन अगर स्केलर की बात करूं तो डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब देखो, अब ये तो हो गया वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और नॉट, तो देखो दोस्तों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो ये ए है और ये वाला पॉइंट जो है सी है। अब मुझे ए से सी जाना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे जाता हूं, मान लो ऐसे गया, ये 3 मीटर था और ये 4 मीटर था, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दोस्तों? मैंने किया 3 और 4 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस? 7 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया। अब ये देखो, ये 7 मीटर में डायरेक्शन बता सकते हो? पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे चला जाता 10 मीटर, ऐसे इस तरफ जा रहा था फिर इस तरफ, तो ये भी एक डिस्टेंस हो जाता जो पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, जिस पाथ से जा रहे हैं उस पाथ पे डिपेंड करती है, करता है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे 10 मीटर डिस्टेंस हो जाता। मान लो मैं ऐसे चला जाता, ये हो गया 15 मीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड 15 हो जाता। क्यों? क्योंकि ये जो है पाथ डिपेंडेंट है और इसकी डायरेक्शन भी देख लो चेंज हो रही है बार बार। तो दोस्तों जो ये क्या है? ये डिस्टेंस है। इसमें डायरेक्शन तो कोई फिक्स है नहीं लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स है, वो भी पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी पाथ पे जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन मान लो अगर मैं कहूं कि आपको ए से सी मिनिमम डिस्टेंस में जाना है, किस में जाना है? मिनिमम डिस्टेंस में। तो मिनिमम डिस्टेंस तो एक ही होगी, स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा और कहीं से भी जाओगे तो आपको क्या पड़ेगा? लॉन्ग रूट पड़ेगा, चाहे ऐसे होके जाओ चाहे ऐसे होके जाओ, आपको क्या पड़ेगा? लॉन्ग पड़ेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस तो दोस्तों एक ही होगी,
और वो इस केस में देखो ये 3 4 ये 90 मान लिया तो ये 5 मीटर है, ठीक है, तो ये एक ही होगी ना मिनिमम डिस्टेंस, और एक ही मिनिमम, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, दैट इज स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो जिस जिस ए और सी को जो मिला रही है लाइन उस डायरेक्शन में है, इसकी जो ये क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में है, जो लाइन ए और सी को मिला रही है उस डायरेक्शन में, देखो स्ट्रेट लाइन इस वाली डायरेक्शन में है ना, ए से सी जा रहे हैं, तो मतलब इस मिनिमम डिस्टेंस का क्या है, मिनिमम डिस्टेंस का एक मैग्नीट्यूड है जो कि अभी इस केस में 5 मीटर है और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हुई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और इसी मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस में हमने देखा कि हम पाथ डिपेंडेंट है, जिस पाथ से जा रहे हैं उस पाथ का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दो पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है ना, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, जो मिनिमम पाथ है उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर देखो इसको अगर आपसे अगर आप पूछा कि बताओ जरा कि डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट में, तो हाँ होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जरा इसका और देख लेते हैं, आप थोड़ा आगे कर लेना ठीक है वीडियो को। अब हम पढ़ते हैं जरा कि देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या सीन है, आगे डिस्टेंस ये हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक बार पढ़ी अभी तक क्या पढ़ी कि जो डिस्टेंस होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, जिस पाथ से जाते हैं उस पाथ का मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एक और चीज बताई इन दोनों में रिलेशन, कि जो डिस्टेंस होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब जो डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, नहीं तो उससे ग्रेटर होगा, क्यों, क्योंकि जो ये मिनिमम इसकी वैल्यू है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल लिया था, ए से सी का एग्जाम्पल लिया था, ए सी ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर, तो ये जो ए से सी स्ट्रेट लाइन जा रही है यही तो डिस्प्लेसमेंट था, और ये अगर डिस्प्लेसमेंट था तो मिनिमम डिस्टेंस यही है, अब देखो ऐसे जाऊंगा मैं ए से बी जाऊंगा पहले और फिर बी से सी जाऊंगा, तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, बड़ा है ये 5 सेंटीमीटर से, अगर ऐसे घूम के गया 10 मीटर तो 10 भी बड़ा है 5 से, तो मतलब इससे क्या पता चला, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी लिख लेना ठीक है, इससे क्या पता चला कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस से छोटा होता है या इक्वल होता है, और जब मान लो मैं इसी रास्ते से चल दिया डिस्टेंस में तो यही तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज व्हाट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें एक और चीज अगर देखें तो इस इन दो चीजों से हमारे पास एक और चीज आती है जिसको कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, तो देखो दोस्तों स्पीड और वेलोसिटी देखते हैं,
वेलोसिटी क्या होती है उसको देखते हैं। जो डिस्टेंस होता है उसी से डिराइव्ड होती है हमारी स्पीड। तो जो स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, ठीक है। जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर करी वो ऊपर आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस अपॉन में आ जाएगा। मतलब क्या है, स्पीड अगर आसान सी भाषा में लिखे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और ये हमने पढ़ा भी था बचपन में। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से निकालूं तो जो चीज यहां से आएगी स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग वो आएगी वेलोसिटी, ठीक है, क्या आएगी, वेलोसिटी। अब देखो दोस्तों, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है तो इसकी भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। और मैग्नीट्यूड भी होता है, और जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। अब जरा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को देख लेते हैं। एवरेज स्पीड भी यही होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम। लेकिन मान लो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि v1 वेलोसिटी से t1 टाइम तक चलता है और v2 वेलोसिटी से t2 टाइम तक चलता है, तब बताओ कि कितनी उसकी एवरेज वेलोसिटी है। तो देखो उसको कैसे करेंगे, देखो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद वेलोसिटी v1 फॉर टाइम t1 एंड विद वेलोसिटी v2 with time t2, then find average velocity. Average velocity बताओ। तो क्या हुआ कि जो ये ऑब्जेक्ट है v1 वेलोसिटी से t1 टाइम चला और v2 वेलोसिटी से t2 टाइम चला। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं, s से लिखते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कहना है कह लो इसको, ठीक है। एवरेज स्पीड में भी यही होगा। तो अभी मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना, वेलोसिटी की जगह अगर स्पीड लगा लोगे तो आप डिस्टेंस टर्म यूज करोगे, और अगर आप वेलोसिटी लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज करोगे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अगर यहां से देखें या इसको डिस्टेंस कह लो, स्पीड होता तो डिस्टेंस क्या होता, देखो स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या आएगा, टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम, ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम हो गया, ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम तो हो गया ये। अब इसके अलावा क्या, देखो जब ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम हो गया तो मुझे पता है v1 वेलोसिटी से t1 टाइम तक चला है,
इस दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वी वन मल्टीप्लाई टी वन मतलब वी वन टी वन, और दूसरी बार कितनी वेलोसिटी से चला था, v2 वेलोसिटी से चला था, कितने टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया v2 t2। अब देखो दो डिस्प्लेसमेंट आ गए, मतलब पहले इतना चला फिर बाद में इतना चला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, v1 t1 प्लस v2 t2, तो ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट v1 t1 प्लस v2 t2। ठीक है, अगर मेरे से पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, v1 t1 v2 t2, v1 t1 v2 और t2, और टोटल टाइम कितना लिया, t1 प्लस t2। तो अगर आपके पेपर में पूछता है ये क्वेश्चन, तो उसका सीधे सीधे आंसर ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर और तो कुछ है नहीं, ये वेलोसिटी हो गया, अब एक्सीलरेशन रह गया, तो एक्सीलरेशन को देख लेते हैं, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, और उसके बाद वो देखेंगे कि उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम का, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, और फिर हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अभी एक्सेलरेशन देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जब मैं रब कर रहा हूं तो आप थोड़े स्किप कर लिया करो। ठीक है, देखो एसिलरेशन क्या होता है, तो दोस्तों जो एसिलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड एसिलरेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या कहलाता है, हमारा एसिलरेशन कहलाता है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं कहूं कि मान लो जो है इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, अगर जो है 4 सेकंड बाद मैंने स्कूटी जो थी उसको स्टार्ट किया और इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। अब अगर मेरे से एसिलरेशन पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या चेंज आया, वेलोसिटी में 0 से 20 होगी, तो 20 माइनस 0 अपॉन में टाइम कितना लगा, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा 4 सेकंड, तो अपॉन में 4। ठीक है, अपॉन में 4, तो ये क्या हो गया, 20 अपॉन में 4 आ गया, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो दोस्तों एक चीज नहीं बताई मैंने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है, ऐसा ही यूनिट होती है मीटर। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड ये क्या होते हैं, डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की तो मीटर होती है, अपॉन में टाइम की सेकंड, तो क्या होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, एक्सीलरेशन की अगर बात करें, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज है, ऊपर आएगा मीटर पर सेकंड और अपॉन में एक और सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख लो,
एम एस के पावर माइनस टू। तो ये क्या होता है, ये एक्सीलरेशन डिस्टेंस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की यूनिट होती है। तो बेसिकली एक्सीलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सीलरेशन। अगर यू जीरो है तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो क्या था, v माइनस यू 20 माइनस जीरो, अगर u जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज v अपॉन में t, इट इज v अपॉन में t जब u जीरो है। तो देखो अगर u जीरो है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। और अभी हम इतना ही करते हैं इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में देखेंगे मोशन क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या है, और उस और क्या देखेंगे कि ग्राफ्स, जो डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टाइम के, उनको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू, और अगर आप अरबी एनटीपीसी जेई एसएससी जेई एसएससी सीपीयू सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वी विल प्रोवाइड थियोरटिकल वीडियो एंड आल्सो द क्वेश्चन आंसर्स वीडियो, ठीक है। हम क्या करेंगे, थियोरटिकल वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर जो लास्ट ईयर में आए हैं उसका सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको जीए और मैथ्स करनी है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, और जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से आएंगे वो भी सारे कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है, थैंक यू।